हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टेप ऑफ रिसर्च में से जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद में स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और क्या क्या स्टेप होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग करने वाले हैं रिसर्च के अंदर। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है और उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि स्टेप ऑफ रिसर्च में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये देखिए दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 53, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं और साथ में हमने इसका आंसर भी दिया है और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं नीचे ये क्वेश्चन। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो केवल और केवल क्वेश्चन की होने वाली है। हम इसमें ये देखने वाले हैं कि क्वेश्चन वो किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके किस तरह से टाइप होते हैं। और कल सुबह की जो वीडियो होगी दोस्तों उसमें हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसने 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा है शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए। इन्होंने फिर से पूछ लिया और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं यही क्वेश्चन। और उसके बाद दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे सिंपल रिसर्च की बात चल रही है और लेकिन यहाँ पे जो है शोध निबंध की बात चल रही है दोस्तों, तो इसमें हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए और जो काफ़ी स्टूडेंट हैं वो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इन पीएचडी योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में देखा जाए दोस्तों तो ये रिसर्च के स्टेप ही इन्होंने पूछे गए हैं। तो ये अगर हमने स्टेप ऑफ रिसर्च कर रखे तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी देखिए जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ये इन्होंने एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ लिया, एक्शन रिसर्च के स्टेप इन्होंने पूछ लिए। तो अब देखिए दोस्तों, स्टेप ऑफ रिसर्च की बात चल रही है हमारी लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है। यानी कि तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सिंपल रिसर्च के बारे में पूछ लिया और सिंपल रिसर्च को भी दोस्तों घुमा फिरा के वो देते हैं, तो हमें इससे पता होना चाहिए कि एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या आंसर देना है। अब ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने एक बार फिर से एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध के स्टेप के बारे में पूछ लिया। ये देखिए दोस्तों, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा अलग आ गया। इसके अंदर क्या है दोस्तों, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो ये जो स्टेप होंगे दोस्तों ये अलग स्टेप होंगे और हमारी जो ये है सिंपल रिसर्च है दोस्तों, हमारी ये जो सिंपल रिसर्च है इसका जो क्रम है वो अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और इन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन हम कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें हम देने वाले हैं। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों किस तरह से रिपीट हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जून 2019 का पेपर है, अभी जो पेपर हुआ था, इसके अंदर भी देखिए दोस्तों इन्होंने फिर से एक्शन रिसर्च के स्टेप के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो एक तो होता है दोस्तों सिंपल रिसर्च जो होती है वो होती है, उसके स्टेप होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसके बाद में जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है उससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और एक होती है हमारे दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च होती है उससे हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इन तीन के अलावा और भी काफ़ी तरह की रिसर्च के स्टेप होते हैं दोस्तों, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च के अलग होते हैं और एजुकेशनल रिसर्च के स्टेप अलग होते हैं। इन सभी के बारे में कल की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम रिसर्च के स्टेप के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं रिसर्च के स्टेप के बारे में, और जो रिसर्च स्टेप है दोस्तों वो काफ़ी तरह की हो सकती है, तो उन सभी स्टेप के बारे में जानेंगे दोस्तों जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल रिसर्च के स्टेप देखते हैं कि जो हमारी सामान्य रिसर्च है वो किस तरह से होते हैं और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंपल रिसर्च है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों सिंपल रिसर्च के अंदर, वो आती है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे रिसर्च का नाम आता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारा प्रॉब्लम सिलेक्शन करना, यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल नई हो और जिसका अभी तक समाधान ना खोजा गया हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा साहित्य सर्वेक्षण, लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्वे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पहले हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किए उस पर क्या क्या काम हो चुका है और लोगों ने क्या क्या समाधान खोजने की कोशिश की है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रीकल्पना, मेकिंग हाइपोथीसिस। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा अंदाज़ा होता है कि हमारा ये जो काम है इसका रिजल्ट ये निकलेगा, यानी कि उसकी कल्पना करते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे रिसर्च के अंदर होता है, जो भी हम प्रॉब्लम लेते हैं तो उसका थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसकी हम कल्पना करते हैं पहले ही। और उसके बाद आता है दोस्तों शोध की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो एक काम है किस तरीके से होगा, और यानी कि उसे पूरे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा रिसर्च के अंदर होता है रिसर्च डिज़ाइन, हमें पूरा डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से हमें रिसर्च करनी है। उसके बाद आता है दोस्तों नमूना चयन, यानी कि सैम्पलिंग। उसके बाद जैसे कि हमें रिसर्च करनी है तो उसमें किन किन लोगों को शामिल करना है, किन 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 एलिमेंट्स को लेना है, वो सारी चीज़ें होती है, तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग, यानी कि रिसर्च के अंदर जो सैम्पल लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला स्टेप आता है हमारा सामग्री इकट्ठा करना, यानी कि डेटा कलेक्शन। यानी कि सैम्पलिंग लेने के बाद में हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी रिसर्च का पूरा डेटा इकट्ठा करें। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 7 पे परिकल्पना परीक्षण, यानी कि हाइपोथीसिस टेस्टिंग। अब देखिए, हमने ये जो 3 नंबर पे हाइपोथीसिस बनाई थी, जो हमने कल्पना की थी, तो नंबर स्टेप पे जाके हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस पर हम देखते हैं, उस पर हम विचार करते हैं, अपनी जो कल्पना है उसको देखते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 8 पे सामान्यकरण तथा व्याख्या करना, यानी कि उसके बाद हमने ये देखे नंबर स्टेप पे हाइपोथीसिस टेस्टिंग कर ली, यानी कि हमने अपनी परिकल्पना को देख लिया कि कैसे ये सही जा रही है गलत जा रही है। उसके बाद उसे हम जनरलाइज करते हैं, उसे हम थोड़ा सिंपली वे से देखने की कोशिश करते हैं, उसे सामान्य करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा निष्कर्ष, यानी कि हमने ऊपर 8 जो स्टेप फॉलो किए उससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के आया है, और उसमें हम ये रिजल्ट निकलते कि हमारी जो प्रोसेस है, हमारी जो रिसर्च है वो सही है या गलत है, यानी कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला है हमारी जो रिसर्च है उससे। उसके बाद में दोस्तों अगर हमारी रिसर्च गलत है तो हम उस पर दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं, और अगर हमारी रिसर्च सही है तो वो है कि वो हमारी फाइनल रिसर्च हो जाती है और उसकी हम रिपोर्ट बनाते हैं और आगे फिर भेज देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी सिंपल रिसर्च होती है, और ये आप ये जो स्टेप है सारे के सारे स्टेप आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, और आप ना लिखने की कोशिश करना बार बार याद करके और बिना देखे लिखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है साइंटिफिक रिसर्च। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज कर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम भी दिया हुआ होगा, लेकिन आपको ये देखना कि उन्होंने सिंपल रिसर्च पूछी हुई है या फिर साइंटिफिक रिसर्च पूछी हुई है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथीसिस आता है, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड थ्योरीज।
और अगर आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ना चाहो तो ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सहविचरण, भ्रामक संबंधों का विचरण, सामान्यकरण और सिद्धांतिकरण, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आप PDF भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों किस तरह की रिसर्च होते हैं और उनके क्या क्या स्टेप होते हैं। अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ, ये है हमारी दोस्तों एक्शन रिसर्च। अब देखिए एक्शन रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं। इसके अंदर जैसे हिंदी में बात करें तो योजना निर्माण, सबसे पहले योजना का निर्माण करते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन और फिर परीक्षण, फिर विमर्श। और इंग्लिश में इसे देखें तो सबसे पहले प्लान, फिर एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये चार चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, और इसी से आपका काम बन जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करना दोस्तों, बार बार लिख के इसको देखना कि आपको याद रहता या नहीं रहता। नॉर्मली क्या होता है कि हमने एक बार पढ़ ली, हमें ये लगता है हाँ ये तो मेरे को याद है, ये तो मैं कर दूँगी या मैं कर दूँगा। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहले एक्ट था या फिर प्लान था, क्या था, ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आगे देखते हैं दोस्तों शोध निबंध के तत्व, यानी कि जो शोध निबंध होता है उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, उसके भी जो स्टेप हैं वो थोड़े अलग हैं। अब इसमें देखिए शोध निबंध में क्या होता है, सबसे पहले प्रस्तावना होती है, फिर साहित्य पुनर्वीक्षण होता है, फिर शोध प्रणालियाँ होती है, फिर परिणाम और फिर चर्चा और निष्कर्ष, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि शोध निबंध क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों आगे की जो वीडियो होगी कि शोध निबंध क्या होता है, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर स्टेप की बात चल रही थी हमारी, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी ये स्टेप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन और फिर लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, फिर है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों नंबर 6 पे रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च रिपोर्ट। अब इसके अंदर होता है इंट्रोडक्शन, एम, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं आप, प्रस्तावना, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रविधि, निष्कर्ष, उपहास और संस्तुति, ठीक है। तो ये मेन 6 तरह की रिसर्च थी दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, वो कभी शोध निबंध में से क्वेश्चन दे देगा, कभी एक्शन रिसर्च में से क्वेश्चन दे देगा और तो कभी सिंपल रिसर्च। तो इन सभी के जो स्टेप है वो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल के क्या होंगे और साइंटिफिक के क्या होंगे, और वो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी दोस्त को इस वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, हम उनके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है, व्हाट इज़ सैम्पलिंग। In a research term, a sample is a group of people, objects or item that are taken from a large population for measurement. अब देखिए इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग एक लोगों का ग्रुप हो सकता है या फिर किसी चीज़ का समूह हो सकता है जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से लिया जाता है। और इसे देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान के चलते कि एक गांव के अंदर पढ़े लिखे 1000 लोग हैं, ठीक है, ये पढ़े लिखे हुए 1000 लोग हैं, और हमें ये देखना है कि इनके अंदर जो पढ़े हुए लोग हैं उनके अंदर दहेज के प्रति उनकी क्या सोच है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हर एक इंसान से जाके मिलेंगे, हम क्या करेंगे कि उन 1000 लोगों में से हम 60-70 लोग या 100 लोग इकट्ठा करेंगे, यानी कि कुछ चुनिंदा लोग लेंगे हम और उनसे राय जानेंगे कि आपकी दहेज के प्रति क्या राय है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग लेते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, टोटल पॉपुलेशन में से हम कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं सैम्पल के रूप में उनकी राय जानने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सैम्पलिंग रिसर्च में कितने प्रकार की होती है और किस तरह से ये यूज होती है।
अब देखिए टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग रिसर्च के अंदर मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने 5th क्लास से लेके हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे कि एक एक थैला है, थैले के अंदर 10 बॉल रखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर लाल भी है, नीली भी है और पीली भी है, उसमें से हमें 4 बॉल निकालनी है तो नीली होने की संभावना क्या होगी, तो वो इस तरह के सवाल करते थे। तो आपको शायद पता होगा प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है, और नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। अब देखिए हम इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लास में लॉटरी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन करना है, मान के चलते कि एक कंपटीशन है और उसके अंदर हमें बच्चे चाहिए अपनी क्लास में से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब 30 बच्चे हैं, अब हम किसी अगर डायरेक्ट किसी एक बच्चे को लेंगे या 4-5 बच्चों को लेंगे तो दूसरे बच्चे हैं वो हो सकता है नाराज़ हो जाए कि हमें नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे कि एक लॉटरी सिस्टम बनाएंगे और हम कहेंगे कि इसमें जिसका भी नंबर आएगा, जैसे पर्ची रख देंगे एक डिब्बे के अंदर 30 पर्चियां रख दी और उसमें कहेंगे भाई जो भी 5 पर्चियां निकलेगी जिसके भी नाम की और उसे हम लेके जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लॉटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें दोस्तों सभी को इक्वल चांस होते हैं सैंपल बनने के, ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में इसमें पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगली आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की विपरीत है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं वो कहीं ना कहीं कहीं अपनी मर्जी के अनुसार सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती, सभी बच्चों के शामिल होने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे कि हम दोबारा फिर एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हमें बच्चों का सिलेक्शन करना है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि जो बच्चा साइंस के अंदर और मैथ के अंदर ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, उस बच्चे को हम लेंगे, ठीक है। तो क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन बच्चों के साइंस में और मैथ में ज़्यादा नंबर आते हैं तो उनको हम अलग से निकालेंगे, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन से बच्चे लेने हैं, और आगे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में किस किस तरह के टाइप होते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग आता है। रैंडम सैम्पलिंग मैंने बताया दोस्तों, हम इसमें रैंडम तरीके से चुनते हैं, जैसे कि वही कि 30 बच्चों की क्लास है और 30 में से हमें कोई 5 बच्चे लेने हैं तो हमने कोई भी 5 बच्चे उठा लिए बगैर कुछ देखे भाई इसे कितना आता है और कितना नहीं आता, ये काला है या गोरा है, कैसा है, लड़का है लड़की है, कोई कुछ भी हमने नहीं देखा, बस सीधे उनको उठा लिया। और आगे देखते हैं हम आगे क्या आता है, आगे आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम डिसाइड कर देते हैं भाई जो हमारे पास 50 बच्चे उसमें से हर 5वां बच्चा हम लेंगे और वो 5वां बच्चा हमें नहीं पता लड़का है लड़की है और कौन है कैसा है, हमें नहीं पता, हमने एक सिस्टम डिसाइड कर दिया कि हर 5वां 10वां 15वां 20वां यानी कि 5-5 बच्चे छोड़ के हम बच्चा लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी कि उसके अंदर हमने एक सिस्टम बना दिया। आगे आते हैं दोस्तों हमारे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन में से अलग अलग सहजातीय होमोजेनियस ग्रुप बनाए जाते हैं और उन ग्रुप में से हम सैंपल लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलते हैं कि 900 लोगों की जनसंख्या है, ठीक है, और हमें कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 300-300 लोगों का जो ग्रुप है वो अलग बना देंगे। इसमें सबसे पहले जो बच्चे हैं 18 साल तक के उनको हमने अलग बना दिया, अलग ग्रुप कर दिया। उसके बाद में जो 18 साल से ज़्यादा के आदमी हैं उनका हमने अलग बना दिया, और फिर जो महिलाएं हैं महिलाओं का ग्रुप हमने अलग बना दिया, यानी कि होमोजीनियस क्या होता है दोस्तों, जो एक जैसे होते हैं,
ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं और हेटरोजीनियस कहते हैं, जो अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके जो गुण वगैरह है वो अलग हो। तो यहाँ पे जो 18 साल तक के बच्चे उनको अलग कर दिया हमने, और जो आदमी है 18 साल से ऊपर के वो हमने अलग कर दिए, और जो महिलाएं हैं उनको हमने अलग कर दिया। ठीक है, और अब देखिए, अब इनमें से जो सैंपल है वो फिर हम जो बच्चे हैं उनमें से रैंडम तरीके से सेलेक्ट करते हैं, जो आदमी है उनमें से अलग और जो महिला है उनमें से अलग तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से आप इंग्लिश हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं, आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लासेस दी जा रही हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखिए, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इस सैम्पलिंग के अंदर पूरी पॉपुलेशन पहले से ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होती है, जिन्हें क्लस्टर बोला जाता है। अब इन क्लस्टर में से रैंडम तरीके से सैंपल लिया जाता है, इनका नेचर विजातीय यानी कि हिटरोजीनियस होता है। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो ऑलरेडी छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड होती है, और फिर उन ग्रुप्स में से हम रैंडम तरीके से सैंपल इकट्ठा करते हैं। अब देखिए, इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे गांव में जाएंगे तो गांव में प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश खेलने वाले हमें एक टोली मिलेगी, जगह जगह टोली मिलेगी। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि एक गाँव के अंदर छः टोली बनी हुई है जो ताश खेलने वालों की। और अब देखिए, जो ताश खेल रहे हैं उसके अंदर सभी अलग अलग लोग होंगे ना, कोई खेत में काम कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो वो सभी अलग अलग होंगे, उनकी उम्र भी अलग अलग हो सकती है, यानी कि वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे हिटरोजीनियस हो गए, यानी कि सभी के जो गुण हैं वो अलग अलग है। अब उन सभी अलग अलग गुण के जो ग्रुप है उनमें से हम रैंडम तरीके से कोई भी दो जो ग्रुप है वो उठा लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्या था, आगे आता है दोस्तों हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और आगे देखते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इसके देखिए इसके अंदर सैंपल के चुनने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती। अब देखिए, सबसे पहली जो हमारी सैंपलिंग आती है इसके अंदर कन्वीनियंस सैंपलिंग आती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को चुनना इस सैंपल के अंदर आता है। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, अब हम मान के चलते हैं कि गाँव के अंदर जो महिलाएँ हैं तो उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, और वो उन अत्याचार के खिलाफ क्या कर रही है, इसके लिए हमें एक रिसर्च करनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिर हम घर घर जाके, यानी कि 10 घरों में एक घर में जाके हम उन महिलाओं से बात करें, या फिर हम डिसाइड कर लेते हैं भाई ना, हम मंदिर के अंदर जाएंगे। ठीक है, मंदिर के अंदर चले गए शाम को, और वहीं पे जो 20 महिलाएं आएंगी उन्हीं से हम बात कर लेंगे, हम घर घर नहीं जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखी, अपनी सुविधा देखी। ठीक है, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार जो सैम्पलिंग की जाती है उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए, अगली आती है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। अब देखिए, कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, हम पहले से ही कोटा निर्धारित कर देते हैं कि कौन सा सैम्पल कितना लेना है। ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें एक रिसर्च करने, उसमें हमें पता करना है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है। तो इसमें हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें हम केवल 30% महिलाओं को शामिल करेंगे, और जो बच्चे हैं उनको हम 70% शामिल करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं भाई, जो महिलाएँ हैं वो कितनी होगी और जो बच्चे हैं वो कितने होंगे। और अगली आती है दोस्तों हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है,
अब देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्नोबॉल यानी कि जो बर्फ़ का गोला होता है, जब उसे बर्फीले इलाके में फेंका जाता है तो क्या होता है कि उस बर्फ़ के साथ और भी बर्फ़ मिलती हुई चली जाती है। देखिए, इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक गांव के अंदर गए, हमें वहां पर नशा करने वाले युवाओं के बारे में जानना है कि कितने जो लड़के हैं वो नशा करते हैं और उनके जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। अब देखिए, हम किसी के पास जाएंगे तो वो डायरेक्टली तो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं नशा करता हूँ, मेरे पे ये इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बंदे के पास जाएंगे जो नशा करता है और जिस पे हमें और उसको हम पे विश्वास है, ठीक है। हम उसके पास जाएंगे और उससे पता करेंगे कि तेरे गांव के अंदर कितने लोग, कितने लड़के हैं जो नशा करते हैं, ठीक है। और उसी से हम जानेंगे कि कितने लोग नशा करते हैं, उनमें से कितने लोगों की जो सेहत है वो ख़राब हो गई, कितने और कितने युवाओं हैं उनका कैरियर ख़राब हो गया। तो यानी कि एक ही व्यक्ति से काफ़ी लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना, उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। और यहाँ पे मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है, आप ये पढ़ लेना। और आगे आती है दोस्तों हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की सैम्पलिंग में हम सैम्पल को पहले अच्छे से जज करते हैं, उसके बाद ही सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो हम सैम्पल लेने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि इसे नॉलेज है या नहीं, ये हमारी रिसर्च के लायक है या नहीं, यानी कि पूरी तरीके से उसको हम जज करते हैं और उसके बाद हम उस सैम्पल को अपनी रिसर्च के अंदर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी मुख्य रूप से प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स थे और इनमें से क्वेश्चन, काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।